पश्चिमी यूपी में आज से प्रचार का आगाज करेंगे अमित शाह। कैराना, शामिल, बागपत और मेरठ में कार्यक्रम। कैराना में शाह घर घर जाकर करेंगे संपर्क, पलायन पीड़ितों से भी मिलेंगे। 2:30 बजे से शाह का जनसंपर्क कार्यक्रम, शामली और बागपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। शाम को मेरठ जाएंगे गृहमंत्री, चुनिंदा प्रबुद्ध लोगों से होगी मुलाकात। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद शाह का पहला दौरा, पूरे यूपी में करेंगे तूफानी प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज यूपी के प्रचार दौरे पर, दोपहर 1 बजे बिजनौर पहुंचेंगे। नड्डा मुजफ्फरनगर के विधानसभा पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, गजरौला भी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी भी आज वेस्टर्न यूपी में अलीगढ़ और बुलंदशहर का दौरा करेंगे। अखिलेश यादव की 1 बजे मीडिया से होंगे रूबरू, पार्टी की आगे की रणनीति करेंगे खुलासा। अकाली नेता विक्रम मजीठिया का दावा, आज चन्नी सरकार के बड़े घोटाले का करेंगे खुलासा। यूपी में चुनावी रैलियों, जुलूस और रोड शो पर पाबंदियों पर आज फिर होगा विचार, चुनाव आयोग करेगा बैठक। कोरोना के हालात की समीक्षा करेगा चुनाव आयोग, रियायत की उम्मीद है कब। दो बार विचार करके पाबंदियां लगा चुका है चुनाव आयोग, अब तक नहीं मिली कोई छूट, सिर्फ डिजिटल प्रचार और छोटी सभा की इजाजत। बीजेपी के प्रचार रथों को आज दिखाई जाएगी हरी झंडी, सभी 403 सीटों पर जाएंगे खास वाहन। आज पीएम मोदी देश के कई जिलों के जिलाधिकारियों से करेंगे बात, विकास कार्यों पर होगी चर्चा। कई दिनों के तूफानी मंथन के बाद बीजेपी ने यूपी के लिए जारी की तीसरी लिस्ट, 85 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 15 महिलाओं को मिला टिकट, रायबरेली से लड़ेंगी कांग्रेस की विधायक रही अदिति सिंह। गन्नौर से बीजेपी ने आईपीएस अधिकारी रहे असीम अरुण को थमाया टिकट, हरदोई से नितिन अग्रवाल लड़ेंगे चुनाव। यूपी के दौरे पर है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, आगरा में पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया नया कैंपेन सॉन्ग, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, नाम के गीत में दिखी योगी सरकार की उपलब्धियां। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को झटका, वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने के प्रस्ताव को एलजी ने किया खारिज। दिल्ली में घट रहा है कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में 10,756 नए मामले, 18% पर पॉजिटिविटी रेट। कर्नाटक में खत्म की गई वीकेंड कर्फ्यू, लेकिन नाइट कर्फ्यू रहेगी जारी, 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा नए मामले। देश में तीसरी लहर का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,47,000 से ज्यादा केस, 703 लोग। देश विरोधी गतिविधियों को लेकर 35 YouTube चैनल और कई सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध, फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में सरकार का एक्शन।